हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं आपकी दोस्त दर्शना। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ वेज सब सैंडविच। वैसे तो सब्वे के सैंडविचेस ज़्यादातर लोगों को पसंद आते हैं क्योंकि वह बहुत सारे फ्लेवर होते हैं। सबसे पहले तो वहाँ ब्रेड में ही आपको बहुत सारी वैरायटी मिल जाती हैं, लाइक मल्टीग्रेन हनी ओट्स, पार्मेजान ओरिगैनो, रोस्टेड गार्लिक, बहुत सारे फ्लेवर्स होते हैं। और इसके साथ साथ केवल यही नहीं, वहाँ पैटीज़ की भी आपको बहुत सारी वैरायटी मिलेंगी। आलू पैटी, हरा भरा कबाब, कॉर्न पीस, मैक्सिकन पैटी, पनीर टिक्का, बहुत सारी वैरायटी होती है और वेज डिलाइट। और इन सब सैंडविचेस में जो मेन फ्लेवर आता है वो आता है वहाँ की सॉस से। वहाँ सॉस में भी बहुत सारी वैरायटी होती है, जैसे बारबेक्यू सॉस, रेड चिली सॉस, मिंट मेयो, हरीसा चिली या साउथ वेस्ट मस्टर्ड, हनी मस्टर्ड, बहुत सारी वैरायटीज़ होती हैं। अगर आप चाहें तो इसे घर में भी बहुत आसानी से बना सकता है। बस होने चाहिए आपके मनपसंद फ्लेवर की ब्रेड, मनपसंद फ्लेवर की पैटी और सॉसेस। तो शुरू करें। तो सबसे पहले हम इसके लिए बनाएंगे ब्रेड। तो ब्रेड बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ले लिया थोड़ा सा गुनगुना पानी और इसमें डालेंगे हम चीनी। तो हमें 2 चम्मच चीनी डालो, इसको अच्छे से करेंगे मिक्स और इसको अच्छे से घुलने देंगे। जैसे हमारी चीनी घुल जाती है तब हम इसमें डालेंगे यीस्ट। ये मार्केट में बहुत आसानी से मिल जाता है। करीब इसमें 1.5 चम्मच में डालूंगी ये और इसको फिर एक्टिवेट होने के लिए छोड़ देंगे। बस 5 मिनट में ही एक्टिवेट हो जाता है। तो इसको तो हम रख देते हैं एक तरफ 5 मिनट के लिए और इतने अपना डो तैयार कर लेते हैं। तो एक लेते हैं बड़ा बाउल और इसमें डालूंगी मैं 2 कटोरी मैदा, क्योंकि मैं बिल्कुल प्लेन ब्रेड बना रही हूँ। अगर आप फ्लेवर चाहते हैं तो फ्लेवर के हिसाब से बना सकते हैं, जैसे मल्टीग्रेन आप फ्लोर ले सकते हो या आप गेहूं का आटा ले सकते हो। और इसमें अगर आपको वैसे इसको फ्लेवर देना है तो बाद में इसमें ओरिगैनो और गार्लिक का फ्लेवर भी ला सकते हैं। और इसमें मैंने डाला हल्का सा नमक। और इधर देखिए हमारी एक्टिवेट हो चुका है ना यीस्ट, अब इसको भी इसमें डाल देंगे और अपना एक डो तैयार करेंगे। आप इसमें चाहे तो थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं। अगर आपका ऐसी सी डो बन जाता तो बहुत अच्छी बात है, मगर मेरा डो शायद नहीं बन पाएगा तो मेरे को तो इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करना पड़ेगा। तो इसमें थोड़ा सा मैं पानी ऐड कर लेती हूँ और इसको एक सॉफ्ट डो तैयार कर लेते हैं। यीस्ट की वजह से ये डो काफ़ी स्टिकी होता है, यानी काफ़ी चिपचिपा सा होता है, तो हम इसको बहुत मलना पड़ता है तब जाके हमारे सॉफ्ट बनता है। तो इसको मलने के लिए हम नीचे सरफेस पर निकाल लेते हैं और ये चिपके नहीं, उसके लिए थोड़ा सा ऑयल का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो थोड़ी सी मैदा ही और डाल सकते हैं। मेन पर्पस होता है कि हमारे हाथ में या सरफेस पे चिपके नहीं और आराम से मला जा सके। जो आपको कंफर्टेबल लगे आप वो चीज़ ले लीजिए और इसको तब तक मलना जब तक चिकना ना हो जाए। देखिए अभी कितना अलग अलग हो रहा है स्टिकी से अलग अलग। अब धीरे धीरे हमारा मल मल के हमें करीब 4-5 मिनट लगेंगे और ये देखिए सॉफ्ट हो गया ना हमारे डो। अब इस स्टेज पर हम इसको जो रख देंगे और फिर इसको रख कर ढक के हम करीब 2 घंटे के लिए इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। हमारा 2 घंटे में ही अच्छे से आटा एक्टिवेट हो जाएगा। अगर सर्दियों का टाइम है तो थोड़ा सा आपको टाइम ज़्यादा भी लग सकता है, 1-2 घंटा। ये देखिए कितना बढ़िया हमारा एक्टिवेट हुआ है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए निकल गई इसकी सारी हवा, कितना ऊँचा हमारा जस्ट डबल हो गया था। और ये देखिए अंदर से कितना बढ़िया हमारा आटा तैयार हुआ है। तो इसको दोबारा से थोड़ा सा हमें मलना पड़ेगा, तो इसको दोबारा से निकालते हैं अपना सरफेस के ऊपर। और इस बार मैंने मलने के लिए थोड़ी सी मैदा लिया, आप चाहें तो ऑयल लगाकर भी मल सकते हैं। और देखिए ऐसे हमारा सेट हो गया है। अब हमें जो है इसको डो को 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो मैं इस तरह से पहले सेंटर से कट कर रही हूँ, फिर ऐसे ही इधर से, ताकि मैं 4 आराम से ब्रेड बना सकूँ। इसको जो ऐसे नीचे की तरफ रोल ऐसे टक करते हुए इसका जो है रोल बना दीजिएगा। इस तरीके से अपनी चारों अपने आप तैयार कर लेते हैं। हमारी चारों लोई तैयार हो गई है, नीचे की तरफ टक करते जाएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। वैसे गोल नहीं करना, हमें नीचे की तरफ टक करना है इस तरीके से। और देखिए हमारी चारों की चारों लोई बन के तैयार हो चुकी। अब इससे हम बनाएंगे अपनी ब्रेड। तो हम लेते हैं पहले 1 पीस, बाकी सब हटा देते हैं और इस पर हम लगाएंगे थोड़ा सा ऑयल नीचे सरफेस पे भी और ऊपर भी, और इसको ऐसे हाथ की सहायता से ऐसे चारों तरफ से ऐसे फैला देंगे बिल्कुल इस तरीके से। और फैला के अब इसको एक साइड से हमें रोल करना है। तो ध्यान से देखिए बिल्कुल इस तरह से टाइट टाइट आपको रोल करना है, बहुत जल्दी से रोल हो जाता है। और ये हमारा रोल हो गया, इधर नीचे टक कर देंगे, इधर से ये टक कर देंगे। देखिए हमारी ब्रेड की शेप बन के तैयार हो गई। अब लेते हैं अपना बेकिंग ट्रे और इसमें रख देंगे और ऐसे ही दूसरा ही बना लेंगे। मैंने अपनी बेकिंग ट्रे में पहले से ही ऑयल लगाया हुआ था जिससे कि नीचे चिपके भी नहीं। इसी तरह से अपनी चारों ब्रेड तैयार करके हमें 15 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़नी पड़ेगी अपनी ट्रे में। अगर आप में इसको फ्लेवर देना चाहते हो तो आप यहाँ पे इसमें गार्लिक का फ्लेवर या ओरिगैनो का फ्लेवर जो भी देना चाहते हो वो दे सकते हो। देखिए 15 मिनट बाद कितनी हमारी फूल के तैयार हो चुकी है। इसको माइक्रोवेव में बेक कर लेते हैं 200 डिग्री पर प्री हीटेड ओवन में करीब 20 से 25 मिनट के लिए। और ये देखिए हमारी ब्रेड कितनी बढ़िया बेक होकर आई है। तो अब हम इससे बनाएंगे अपना वेजी डिलाइट के या वेज सब सैंडविच के, जो आपको पसंद है वो नाम दीजिए। तो पहले हम ब्रेड ले लेते हैं अपनी, और ब्रेड लेके इसको हम कट कर लेते हैं। आप चाहे तो हाफ कट कर सकते हैं और चाहे तो पूरी कट कर सकते हैं, जैसे आपको कंफर्टेबल लगे आप वैसे इसको बना लीजिए। वैसे तो वो लोग हाफ कट ही करके बनाते हैं, मगर मैं इसको कंफर्टेबल रहे इसलिए पूरा खोल देती हूँ।
ये देखिए हमारी ब्रेड कितनी बढ़िया बेक हुई है ना। तो सबसे पहले हम अपनी ब्रेड पर लगाएंगे मेयोनीज। आप किसी भी फ्लेवर की ले सकते हैं, जो भी आपको पसंद है। अगर मिंट फ्लेवर पसंद है तो इसमें आप थोड़ी सी मिंट की चटनी मिक्स कर लें। अगर आपको इसमें गार्लिक फ्लेवर पसंद है तो थोड़ा सा गार्लिक मिक्स कर लें। प्लेन पसंद है तो प्लेन लगा लीजिए। मेन पर्पज़ है कि मेयोनीज पहले हमें लगानी है दोनों तरफ अच्छे से, ताकि अच्छे से सॉफ्ट और टेस्टी लगे। सैंडविच की असेंबलिंग तो खैर अपने अपने टेस्ट के हिसाब से होती है, आप जैसा चाहे वैसे असेंबल कीजिए। मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा ऑरिगेनो डाला है क्योंकि मुझे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है। मैं थोड़ी सी इसमें डाल रही हूँ पत्ता गोभी। आप चाहें तो यहाँ पे लेटस का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब मैं इसके ऊपर जो सॉस डालने जा रही हूँ, ये मेरी फेवरेट सॉस है, ये है चिपोटले साउथ वेस्ट। बहुत ही चटपटी लगती है, बहुत टेस्टी। मैंने इसकी वीडियो आपके साथ पहले शेयर की है, आप चाहें तो उसको देख के इसको बना सकते हैं। बहुत आसान सी रेसिपी है। और अब इसके ऊपर मैंने लगाई थोड़ी सी प्याज और इसके ऊपर डालेंगे थोड़ी सी टमाटो सॉस। सॉसेस तो आपको वैसे मार्केट में भी रेडीमेड मिल सकते हैं और आप चाहें तो घर में बना सकते हैं। मैंने इसकी भी रेसिपी आपके साथ पहले शेयर की है टमाटो सॉस की भी। अब मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा खीरा। फ्रेश फ्रेश वेजिटेबल्स इसमें बहुत ही बढ़िया लगती हैं, आप जो चाहें वो इसमें ले सकते हैं। अब इसके ऊपर मैं जो डालने जा रही हूँ ये है हमारी बहुत ही टेस्टी सी मस्टर्ड सॉस। आप चाहें तो हनी मस्टर्ड भी ले सकते हैं, जो फ्लेवर आपको पसंद है। सॉसेस तो सारी वैसे मार्केट में भी बहुत आसानी से अवेलेबल होती हैं। अब मैं इसके ऊपर थोड़ी सी शिमला मिर्च लगाने जा रही हूँ और शिमला मिर्च के बाद अब इसमें लगाएंगे थोड़े से फ्रेश कटे हुए टमाटर और टमाटर के बाद दोबारा से डालूंगी इसमें अपनी चिपोटले सॉस। मैं सॉस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, अगर आप चाहें तो इसको देख के घर में बना सकते हैं। ये देखिए आ गया ना मज़ा। और अब फाइनली मैं इसके ऊपर डालने जा रही हूँ थोड़ा सा नमक और काली मिर्ची। आप चाहें तो यहाँ पे बीट रूट का इस्तेमाल कर सकते हैं, स्पिनिच का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो चाहें वो इसमें सैलेड ले सकते हैं अपना मनपसंद। वाओ कितना यम्मी लग रहा है ना, मेरे तो मुंह में पानी आ रहा है, आपका तो मुझे पता नहीं। इसको फटाफट से कर देते हैं बंद। तो देखा फ्रेंड्स, आप लोगों ने हमारा सब वेज सैंडविच कितनी आसानी से घर में बनके तैयार हो जाता है और खाने में तो बहुत ही टेस्टी लगता है, बिल्कुल फ्रेश फीलिंग देता है। तो लीजिए फ्रेंड्स, हमारा तो सबवे स्टाइल वेजी डिलाइट घर में बनके तैयार है खाने के लिए। तो फ्रेंड्स, अब आप लोग भी अपने मनपसंद वेजी का, अपने मनपसंद सॉसेस डाल के अपने मन का सैंडविच तैयार कीजिए, खाइए और फिर अपने अनुभव मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। धन्यवाद।